पार्लियामेंट इलाक से इंसारुल इस्लाम को बेदखल करने के लिए ऑपरेशन पुलिस का JUIM NA सलाउद्दीन अयूबी के कमरे पर दावा। पुलिस और अरकान असम्बली आमने सामने द कंपेल तलाकलामी रजाकारों के इलाज में दाखिले पर एंट्री न किए जाने का इंकशाफ। IG इस्लामाबाद का नोटिस, जुम्मेदार पुलिस अफसरान को मतल कर दिया। अपोजिशन 172 वोट पूरे कर जाए तो मेरे से कमजोर कोई नहीं होगा, वजीर आजम का मुखालफीन को चैलेंज। तहरीक अदम एतमाद से पहले इस्लामाबाद में बड़े जलसे का ऐलान। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के मनहरफ 6 सूबाई मेंबरान की वजीर आजम से मुलाकात। अराकीन की बरबर हमायत की यकीन दहानी, मजीद लोगों को साथ मिलाने का दावा। वजीर आजम का वजीर अला उस्मान बुज़दार के मामले पर 1.5 लाख वजीर अला की तब्दीली। तहरीक अदम एतमाद लाने तक वोट तक रोक दी। माइनस इमरान नहीं माइनस बुज़दार चाहते हैं, चौधरी बरादरान से साथ मिलकर चलने पर बात हुई। तरीन ग्रुप के अरकान के इंतकामी कार्रवाइयों पर PTI इजलास में शिरकत न करने का फैसला। सईद अकबर की अजमल चीमा के पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्ट बंद करने की मजम्मत। वजीर आजम अगर दबाव की वजह से मिलने आए तो अफसोस है। MQM राबता कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम समझते हैं कि शाहिद खान साहब को हमारा ख्याल आया हो, हमने उनकी हुकूमत और जमहूरियत बचाई है। MQM रहनुमा ने हमारे तहफ़ात मौजूद हैं। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत का साथ दें या अपोजिशन का, बलोचिस्तान अवामी पार्टी फैसला करने में नाकाम। इजलास में नतीजा खत्म, अरकान को इस्लामाबाद में ही क्याम की हिदायत। इजलास कल दोबारा होगा, चेयरमैन सेनेटर वसी अला बलोचिस्तान भी शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बलदियाती इंतखाबात कराने का फैसला। बलदियाती इलेक्शन मई के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। बलदियाती इंतखाबात 2 मरहलों में करवाए जाएंगे।